अभी एक और बात है, आपको आप जान के हैरान होंगे चीमा साहब, इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूं। हमारा ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल एक कॉरिडोर बन रहा है, मतलब कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है, 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। एक बार एक कम्युनिटी का रेपिटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन, जहाँ जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं। राइट हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी गौतम अदानी, तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं एक लफ्ज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं, तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है भारत फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हैं, और फ्रांस ने उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, आपको पता होगा महाकाल की नगरी उज्जैन, उसमें एक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें अपनी श्रद्धा से खुद से 80 करोड़ रुपए उन्होंने दान में दिए हैं। भारत ने ये मदद मांगी नहीं थी, उन्होंने अपनी श्रद्धा से दिए हैं। उस बात को लेकर सुमित पीर सर ने बात छेड़ी, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तानी लोग शायद जानते भी होंगे, ऑब्वियसली उनके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से होंगी। वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। साथ ही भारतीय जो भारतीय ओवरसीज लोग हैं, इंडियन NRI लोग हैं, वो भारत की तरक्की में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके बारे में करते हैं, हो रही है इस वीडियो में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग जितनी, आपने की फ्रांस की जब बात, आपने की जर्मनी की बात, आपने लंदन की बात की, मैक्रोन के सबसे परम मित्र आजकल जो है वो है मोदी जी है, डील्स हमारी उनके साथ हो रही है। अभी एक और बात है, आपको आप जान के हैरान होंगे चीमा साहब, इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूं। हमारा ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल एक कॉरिडोर बन रहा है, मतलब कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है, 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। राफेल हमसे खरीद रहे, बिजनेस हमसे बनाना, FTA की बात वो हमसे कर रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम उनके, यूरोपियन यूनियन की हेड यहाँ आई थी हमारे साथ FTA करो, अब लंडन पे चले जाए। अब जॉनसन साहब यहाँ नहीं आए थे दिवाली से पहले पहले, मेरे साथ FTA करो, $20 बिलियन का बिजनेस बनाना है, अपने जहाज बेचने यहाँ आए थे, हमने उनको पीछे कर लिया, इकोनॉमी कोई $250 बिलियन से कोई बात नहीं। जर्मनों का FTA हमसे करना है, जर्मन यहाँ कारखाना लगाते हैं, जर्मन कहते हैं कुछ चीज़ों में हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो, हम और बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। अब हमें यूरोप की बात करो, फ्रांस जर्मनी UK, ये तीन बड़ी शक्तियां हैं, यूरोपियन यूनियन एज सच, ये इनके चारों की मैंने बताई, अमेरिका आपको पता ही है। तो अब ये जो एक एकेडमिशियन प्रोफेसर या कोई भी है, उनके दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट दैट ओपिनियन इज नॉट अ फोर्स which can change the course of things at a geopolitical level. They're entitled to their opinion and we respect that opinion. But beyond that, it's an individual's opinion. I mean, I have nothing to say. Opinions matter when they can stop the wheels of economy, turn the wind, turn the opinion of political leaders and stop alliances and collaborations. In teenon cheezon mein se, fortunately, ye kuch nahi kar pa rahe. Baaki ek individual hai, unke opinion hai. We respect that. But beyond having that respect and, you know, beyond having that thing, it doesn't really matter. और आपने एक majoritarian बात की, majoritarian word आपने use किया। देखिए majoritarian democracy में कुछ नहीं होता, जिसके पास ज़्यादा vote होते हैं वो government बनाता, वो government चलाता। अब majoritarian का मैं डॉक्टर जयशंकर के एक आपके स्टेटमेंट से एक चीज़ बोलूँगा, उन्होंने बोला जी कि एक majoritarian government थी तो उन्होंने ये कश्मीर में कर दिया, 370 हटाया, 35A है, जबकि टेम्प्ररी प्रोविजन से बहुत पहले हटाने जाने चाहिए थे, मोदी ने हटा दिया, बिल्कुल लीगल है एज पर, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास करके हटाए, आर्बिट्रेरी कोई नहीं हटा। बट दैट कल्चर इज देयर के वी अप्रिशिएट एंड वी एडमायर द फैक्ट, ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, दैट डजंट इंप्रेस इंडियन, यू नो, पैसे पैसा डजंट इंप्रेस, नॉलेज इंप्रेसेस, और अब हम ऐसे दौर में हैं वेयर नॉलेज इज आल्सो रिजल्टिंग इन मनी। अब ये जो सारे सीईओ दिख रहे हैं आपको, दे आर ऑल प्रोबेबली $50 मिलियन प्लस नेटवर्थ मिनिमम,
तो पैसा भी आ रहा है ना इंडिया इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है एंड इट परकुलेट्स डाउन. एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आप यू विल सी दैट दे आर डूइंग फेनोमिनली वेल. सो इट इज पार्टली कल्चर, पार्टली इंडिया में जो 1950 से जो जोर दिया गया है IITs, IIMs को, और अभी जो नए गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं दे आर नॉट, वो तरक्की में खलल नहीं डाल रहे. देखिए तरक्की का जो मोमेंटम है उसमें वो खलल नहीं डाल रहे. और दिस करंट जो 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 बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि फोकस्ड है ऑन नेशनल इंटरेस्ट. तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है दे आर पुशिंग दैट इन फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव. और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है बिकॉज इट्स सच अ बिग इकोनॉमी, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू ट्रेड विद इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. आपने ये लव यूनिकॉर्न सुना होगा, यूनिकॉर्न बिल्कुल जी. यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो दैट जिसका वैल्यू $1 billion का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी. सो इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू, कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 billion में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं. तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न्स इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट. 2021 में खुद 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100. तो आई मीन दिस इज अ, ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है बट इट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि यू कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड होप टू क्विकली रीच द $1 billion मार्क. जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 billion है. वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं. Right. हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी. तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं एक लफ्ज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने ऐसे. तो दोस्तों आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, यहाँ पर मेन फोकल पॉइंट है उज्जैन के महाकाल मंदिर को दिए गए हैं 80 करोड़ रुपए दान में फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से. मैंने आपको बताया कि ये फ्रांस से हमने कोई पैसे मांगे नहीं थे, ये उन्होंने अपनी श्रद्धा से उज्जैन के मतलब जो कॉरिडोर बनना है जैसा काशी विश्वनाथ में बना है, मंदिर तो पहले से बना, ऑब्वियसली मंदिर बहुत पुराना, उज्जैन का हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये सदियों पुराना मंदिर है. जैसे कि केदारनाथ के मंदिर है, इन मंदिर का कोई ये नहीं पता चलता कि ये किसने बनवाया. ऑब्वियसली अगर आप चेक करें तो ऐसी दुर्लभ जगहों में तो ये मंदिर बने हुए हैं कि जहाँ पर इंसानों को जाने में कितनी मतलब मुश्किल से जा पाते हैं, तो वहाँ पर मंदिर कैसे बनोगे ये भी एक सोचने वाली बात है. तो आपको मौका मिले दोस्तों डेफिनेटली विजिट करें उज्जैन, केदारनाथ. मैं भी बहुत जल्द प्लानिंग कर रहा हूँ, आप भी जाएं देखें, भव्यता देखें. 12 ज्योतिर्लिंग में से ये है हमारे, 12 ज्योतिर्लिंग ही विजिट करें अगर आप जा सकते हैं तो. तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय ओवरसीज लोगों के बारे में. तो दोस्तों भारत का जो ब्रेन है, मैं ओवरऑल इंडियन की बात कर रहा हूँ, उसमें पाकिस्तानी भी आएंगे क्योंकि DNA सेम है, भले वो पाकिस्तानी आज दूसरे रिलीजियस के हैं, बांग्लादेशी दूसरे रिलीजियस के हैं. यहाँ का अगर आप DNA देखें ओवरऑल तो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हजारों साल पहले से यहाँ का कितना, कितनी रिच हिस्ट्री रही है. यार अपनी जो लाइब्रेरी थी ना नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, उसको 3-4 महीने सोचो जलने में लगे थे. सोचो कितना कितना पुराना उसमें डेटा रहा होगा, कितना ज़्यादा हमारे ज्ञान की बातें रही होंगी और किस तरीके से उनको कैसे स्टोर किया गया होगा जो कि जल गई, और वो ज्ञान हम उसको मिस कर रहे हैं. ऑब्वियसली जो हमारे पास हैं वेद हैं, ये हैं वो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सुश्रुत का है, बहुत सारी चीज़ें. सोचो उसमें लाइब्रेरी में कितना ज़्यादा डेटा, जिसका मतलब कई कॉपी या कहीं दूसरी जगह और उसको दूसरी जगह स्टोरेज ना किया गया हो, मतलब उनकी कॉपी या डुप्लीकेट उनको ना बनाया गया हो, तो वो कितना स्टोरेज हमारा डिस्ट्रॉय हो गया. इतनी पुरानी हमारी हिस्ट्री की इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जिनको जलने में 3-3 महीने लग गए, हालांकि जो बेवकूफ़ हैं जिन लोगों ने जलाई उनके पास तो कोई अक्ल थी नहीं, उनको तो पता
पता नहीं था कि वो क्या है, उसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं होगा कि दुनिया को तबाह करने की बातें लिखी रही होंगी, उसमें तो डेफिनेटली पुस्तकालय है नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो उसमें डेफिनेटली ज्ञान की बातें रही होंगी, बहुत 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 बड़ी, मतलब मेरे हिसाब से वो भारत की रिच हिस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है, शायद सबसे बड़ा लॉस है कि ज्ञान, इतना बड़ा पुस्तकालय जो जल गया, और इसके अलावा कितनी सारी मतलब अननोन पुस्तकालय और अननोन यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय करी गई होंगी। तो भारतीयों का जो ब्रेन है ना, बहुत बहुत ही यूनिक है, डेफिनेटली इसको अगर यूएस जैसे माहौल में अगर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो यूएस में वो टॉप टॉप में आते हैं, वो अगर टॉप स्टार्टअप स्टार्ट करने में हर चीज़ में टॉप में आते, तो आप एक इसको मतलब अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को